हेलो यूट्यूब, मेरा नाम है अहिल। मैं बनाता हूँ वीडियो मोटो ब्लॉगिंग के बारे में, जहाँ पे आप देख सकते हैं बाइक रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, टूरिंग एंड मोटो ब्लॉगिंग। और आज वैसे में भाई सामने एक 390 वाला मिल गया था, जिसे मैं फॉलो करते करते इधर तक आ गया था, तो उसे छोड़ दिया भाई। क्या बंदा खींच रहा है गाड़ी भाई साहब, मैं उसके पीछे आ रहा हूँ एकदम साथ साथ में, इसलिए वो और भी ज़्यादा खींच रहा है। वो जो स्पीड ब्रेकर है ना, स्पीड ब्रेकर नहीं मान रहा है भाई। ऐसे मैं KTM एडवेंचर 390 वाले को फॉलो कर रहा था, वहाँ का एक क्लिप आप लोग एक बार देख लीजिए, मैं यहाँ पे ऐड कर दे रहा हूँ। भाई साहब मिल गया 390 वाला बंदा। इन्होंने जिस पेट्रोल पंप से फ्यूल अप किया, मैंने भी वहाँ पे फ्यूल अप किया, और इनको देख के मैंने मोबाइल लगाने ही वाला था अपने हेलमेट में। उनमें से उतने टाइम में इनको पकड़ने में मेरा 5-7 किलोमीटर लग गया, इतना तेज़ी से आ रहा था। फिर जाके ये मिला यहाँ पे, और क्या तेज़ी से गाड़ी भगा रहा था भाई, क्या ही बोले। स्पीड ब्रेकर या कुछ भी नहीं मान रहा था, रास्ते में जितने स्पीड ब्रेकर आया था उसको ऐसे लेवल करके चला गया 70-80 स्पीड में, जहाँ पर मेरा ये नेकेड बाइक लेके मुझे रुकना पड़ता था। क्या खींच रहा है भाई 390 वाला बंदा। स्पीड ब्रेकर या कुछ भी ऐसा उस टाइम पे पकड़ नहीं पा रहा था, बाकी भीड़ भाड़ में तो मैं भाई ऐसे कटिंग करके आ रहा था जिसे पकड़ ले रहा था मैं। मोटो ब्लॉगिंग का क्रेज भाई इधर भी बढ़ रहा है। स्पीड ब्रेकर बंदे भाई साहब, बाइक चलाओ भाई, मुझे ये चीज बाइक चलाता हर टाइम ब्रेक पे भाई फॉलो रखो, नजरें हटी तो दुर्घटना घटी। बाकी पहले पहले मैं सोचता था कि मैं अपने बाइक उतना खींचूंगा नहीं भाई, लेकिन रोड पे जब निकल जाता हूँ ना भाई, किसी को देख के भाई नहीं, वो अंदर का जो खून है ना वो भाई गर्म हो जाता है। ऐसा नहीं कि उसके साथ रेस करो, बस ऐसा होता है कि उसके साथ साथ जाओ। यंग जनरेशन का यही एक प्रॉब्लम है भाई, हम भी यंग ही हैं तो मेरा भी खून तो गर्म तो होगा ही। अब जितना भी लोग कहे कि भाई, जितना भी तुमको कोई, कितना भी लोग तुमको एडवाइस दे भाई कि गाड़ी जोर में मत चला, इतने धीरे चला धीरे चला, लेकिन भाई तुम सुनोगे ही नहीं। मतलब वो तो खोपड़ी में तुम्हारा रहेगा कि हाँ भाई स्लो चलाना है गाड़ी, लेकिन जब भी कोई पास में ओवरटेक करके जाएगा ना, तब तुमको भी ऐसा लगेगा भाई धीरे चलाऊंगा ठीक है, लेकिन उसके साथ एक बार जाऊंगा। ये भाई बराबर मुझे जैसा फील हुआ कि भाई एक बार तो उसके पास जाना ही है, उसके बाद हम स्लो चलाएंगे। बाकी कुछ बंदे रैश ड्राइविंग करते हैं, रैश ड्राइविंग नहीं करना है, सेफ्टी में ध्यान को रखते हुए तुमको गाड़ी चलाना है। देखो यहाँ पर स्पीड ठीक है, भाई 390 वाले बंदे को देख के पता चला कि भाई स्पीड क्या है, स्पीड किसे कहते हैं भाई। हमने कभी अपनी बाइक उस तरह से नहीं खींचा भाई, क्या खींच रहा था बंदा, तुरंत ऐसे पावर ले रहा था उसको भाई, पकड़ना मुश्किल ही नहीं भाई, नामुमकिन है। भाई चेन लूप करना है मुझे, मैं अभी जाके चेन लूप करवाऊंगा। अभी जितना भी मैंने गाड़ी चला ली भाई, ये इतने गाड़ी बहुत दिन से चला रहा हूँ और इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि भाई कैसे चलाना है, लेकिन एक चीज़ ध्यान में ज़रूर रख के सब बाइक खरीदो भाई, वो है कि तुम भाई सेफ्टी को देखो पहले। आज के डेट में भाई डुअल चैनल ABS भाई बाइक में होना है, अगर डुअल चैनल ABS नहीं है ना भाई, तो उस गाड़ी को भाई मत खरीदो। अगर तुम स्पीड लवर हो
तो भाई ड्यूएल चैनल एबीएस लेना है, क्योंकि भाई ड्यूएल चैनल एबीएस के बिना तुम किसी भी गाड़ी में कर नहीं सकते, वो कर नहीं सकते भाई। 110 120 इस स्पीड में ड्यूएल चैनल एबीएस के बिना काम ही नहीं बनता, पूरा खींच के भी गाड़ी नहीं रुकता भाई। पूरा ब्रेक ऐसे दबा दूँ ना फिर भी गाड़ी नहीं रुकता, और उस टाइम पे तुम ऐसे गाड़ी में बिना एबीएस वाला गाड़ी कैसे रुकाओगे। जिंदगी ने जिंदगी भर गम दिए, जितने भी मौसम दिए सब नम दिए। ये जो जगह है ना, इसी जगह पे वो बंदा भाई एकदम तुरंत ऐसे, मतलब क्या करते हैं, पूरा उठा के एकदम उड़ा के लेके जा रहा है, कौन पकड़ेगा उसे। बाकी मैं वो स्टोरी की तरह उसे ऐसे क्या कहते थे, हॉरिजेंटली उसको मैंने रिकॉर्ड किया फ़ोन में। बाकी हमारे होंडा भी कम नहीं है भाई, उसका फ्यूल भाई 20 देगा और हमारा भाई 33-34 इतना देगा, तो फिर चलो कितना दूर जाओगे। बाकी भाई बंदा उसका तो मैंने वो मेरे इलाका का है भाई, मतलब एक ही जगह का है वो बंदा, 10 किलोमीटर दूरी पे रहता है। तो फ़ोन नंबर ले लिया उसका, उन्होंने दे दिया, हम भी फ़ोन नंबर लिए, तो बोला कि भाई हम भी मोटो ब्लॉगिंग करते हैं लेकिन साथ किसी का मिल जाता तो अच्छा होता, तो मैंने फ़ोन नंबर दे दिया उसका। अब जब भी निकलेंगे दोनों मिल के निकलेंगे, आगे वीडियो में देखोगे। बहुत खींच के आया भाई, बहुत खींच के आया उसने। मुझे हर बार टॉप में ले जाके खेल रहा है बंदा। मुझे पता है कि उसे मैं पकड़ नहीं पाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं साथ में तो जाऊंगा भाई। কোথায় থাকো, কোথায় বাড়ি তোমাদের? ভগবান গোলা, ভগবান গোলাতে 390 কারুর তো দেখিনি। ও আমি শুধু চিনি লাল গোলার একটা ফ্রেন্ডের 390 আছে। হ্যাঁ এটা একদম প্রপার ভগবান গোলা থেকে বাড়ি, পিডাব্লু মোড়ে, একদম পিডাব্লু মোড়ে ডাকলে আমি শুনতে পাবো, এরম ব্যাপার। আরে সাকিল, ওটাই তো আমি বলছি, তোমার এই গাড়িটা দেখে আমি ভাবছি এটা সাকিলেরই ফ্রেন্ড। একদিনকে সাকিল তোমাদের গাড়িটার ভিডিওটা দেখলাম আমি, ওই পদ্মা গিয়ে বাপরে পুরো ঘুরিয়ে টুরিয়ে এক একটা ঠেকিয়ে দিয়েছিলে। হ্যাঁ পুরো আমি দেখলাম, দেখ ভাবলাম যে গাড়িটা ওই গাড়িটা কিনা। সাকিল আর আমি তো একসঙ্গে আজকে বেরোনোর কথা বুঝলে, আমি আগে বেরিয়ে তেল হতে যাচ্ছিলাম। আরে বেরোবে, বেরোলে আমাকে ডাকবে, আমি বহরমপুর যাওয়ারই প্ল্যান আছে, আরসি বুক নিয়ে চলে আসবো। আজ বন্ধ নাকি বহরমপুর? ও আচ্ছা চলো, তাহলে আর বেশি দূর যাবো না। আচ্ছা স্যার ঠিক আছে, তাহলে তুমি আমার মন নম্বরটা নিয়ে নাও। আরে সাকিল বেরোয় না ব্লগ করতে বুঝলে, সাকিল সাকিল আমার বন্ধুর ছোট ভাই, ও এক ও বন্ধু হয়ে গেছে, সামনে দাঁড়াও একটু নাকি। সব না আছে বুঝলো।
बाकी मुझे अभी डर लगता है भाई, बाकी फ्रेंड बहुत अच्छा था, बंदा बहुत अच्छा था और उनका फ़ोन नंबर भी हमने ले लिया है, तो आगे वीडियो में कभी आपसे मिलवाएंगे। और आज का वीडियो बस इतना ही था, मिलते हैं किसी और के नए वीडियो में, तब तक थैंक यू, अच्छे रहे। और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब।